शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो मैं ये। हाय एवरीवन, दिस इज मधु हियर। आज की ये जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि NLP की टेक्निक है। बहुत सारे लोगों की जो मैसेज आती हैं दैट रियली हर्ट्स मी, कि आप कुछ ऐसे लोगों को याद करके परेशान हैं जो कभी आपके लायक ही नहीं थे। सो नाउ अप्लाई ऑल द स्टेप्स आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। किसी की जितने होता है ना, यादों से आप परेशान हैं या फिर यादों याद जब भी आती है आप दुखी हो जा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम में आप एक NLP टेक्निक यूज़ कीजिए। यहाँ मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक नहीं बता रही हूँ, बट ये आपकी खुद की माइंड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके ये टेक्निक आपको उन मोमेंट्स पे जो आप उदास हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, उस पैटर्न को चेंज करने में हेल्प करेगा। करना क्या है कि जिस याद से आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है या रोने लगते हो, उस जगह उस टाइम पे आपको मतलब या फिर आप ये कर सकते हो ना, कॉन्शियसली उस मोमेंट को याद करिए जो आपको दुख पहुंचाती है, और तुरंत ना अपने हेड को ऐसे से करके शेक करने लगे कुछ देर तक, और जाके फटाक से फेस वॉश कर लीजिए। ये काम एक ही बार में आपको 11 बार करना है, एक ही टाइम पे 11 बार आपको उसको एज अ साइकिल रिपीट करना है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपने अभी स्टार्ट किया अपनी मेमोरी को, उसको कॉन्शियसली आपने याद किया, आपने अपने फेस को पूरा रिगरसली आप पूरा एकदम शेक कर रहे हो, जाके आपने फेस वॉश किया, फिर वापस आए, फिर उस मेमोरी को याद करके फिर आपने अपने फेस को ऐसे हिलाया, फिर जाके आपने उसको धोया, ये साइकिल आपको 11 टाइम्स करना है। उसके बाद आप इमीडिएटली देखना उसको याद करने की 12th टाइम कोशिश करना, याद तो हो सकता आएगी ही तुरंत एक दिन में, बट आपको रोना नहीं आएगा, आप उसको लेकर दुखी नहीं होंगे। और उसके बाद इस पैटर्न को आपको 21 दिन तक फॉलो करना है। 21 डेज में क्या होगा, आपका माइंड जो है प्रोग्राम हो जाएगा कि कोई मेमोरी, जिस मेमोरी से आप परेशान हैं, वो आपको हर्ट नहीं करेगी। ये प्रोसीजर आप किसी भी तरह की मेमोरी को अपने दिमाग से निकालने के लिए, या फिर कहो तो उस मेमोरी को याद करके दुखी होने की जो का जो आपको पैटर्न है उसको चेंज करने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक NLP टेक्निक है एंड ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। ट्राई दिस एंड लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू। थैंक यू, बाय।